Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. छोटा सा विजन है, उनकी बस यही सोच है कि खाने पीले जीले और किसी का उन्होंने नहीं सोचना. और यू कैन टेस्ट इट. आप ये बच्चों से पूछ ले, वही लेवल्स के बच्चों से, कि बेटा तुम्हारी अम्मी या अब्बू कौन सी मेडिसिन खाते हैं. अगर खाते हैं, उनमें से शायद चंद एक को पता, क्योंकि ना कभी खिलाई है ना कभी ला के दी है. क्योंकि विजन यही है ना कि बस माँ नौकरानी है, बाप एटीएम की मशीन है. असल में तो यही हो रहा है. और ये भी क्यामत के साइंस है. अभी आगे आ रहा है कि जब स्लेव गर्ल अपने आका को, व्हेन द स्लेव वुमेन विल गिव बर्थ टू हर मास्टर, देन वेट फॉर द आर. क्या मतलब है कि औरत जो है वो नौकरानी होगी और वो अपने आका को जन्म देगी. और ये हम आज देख रहे हैं कि औलाद ने अपने माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ यही समझ लिया है कि ये पैसे देने की मशीन है और ये जो माँ है ये बस मेरी खिदमत करने की मशीन है. That's the vision. When my nation does 15 practices, calamity befalls it. It was asked, and what are they, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? जब मेरी उम्मत 15 चीजें प्रैक्टिस करेगी तो फिर उन पे क्लैमिटी आएगी, उन पे फितना आएगा, उन पे प्रॉब्लम्स आएंगी. वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने जो रेलेवेंट लिस्ट है वो निकाली है. इसमें ज़कात ना देना है, इसमें झूठी गवाही ना देना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं. व्हेन अ मैन ओबेज हिज वाइफ बट डिसओबेज हिज मदर, व्हेन अ मैन ट्रीट्स हिज फ्रेंड वेल बट इज हार्श एंड डिस्टेंट विद हिज फादर, सुभान अल्लाह. यानी बाप बात करे तो गुस्सा चढ़े, फ्रेंड बात करे तो बहुत खुशी से जवाब दें. बाप सिर्फ ये पूछ ले कि बेटा आज क्या किया, क्या हाल है, तो उस पर गुस्सा चढ़ने लगे. बाप ड्राइविंग के दौरान सीट पे बैठ जाए, वैसे कुछ क्वेश्चंस करने लग जाए, कुछ समझाने लग जाए, तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाए और बाप को गुस्से से जवाब दिया जाए. लेकिन कोई दोस्त साथ बैठा है तो फिर चेहरा खिला हुआ है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत शुगर लग रहा है. सो वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स टुडे. और याद रखे कि ये बात बार बार मैं कहता हूं कि एक फॉर्मूला है लाइफ का, और ये मैंने खुद विटनेस किया है कि द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ इज टू स्टार्ट मिसबिहेविंग विद योर मदर. जिस औलाद ने मां से बदतमीजी शुरू कर दी, देन ही और शी शुड काउंट हर डेज और हिज डेज. फिर वो बस डेज को काउंट करे कि कब तबाही आती है मेरे ऊपर. और ये लाइफ का एक फॉर्मूला है. एंड सेम गोज फॉर फादर एज वेल, कि जब फादर की बातों पे गुस्सा चढ़ने लगे और हम उनको टाइम भी ना दें. देखे ना कितना गैप है, कल्चरल गैप है. उनको स्मार्टफोन यूज नहीं करना आता, उनको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती, उनको लैपटॉप यूज नहीं करना आता. तो हम दोस्त की विंडो इंस्टॉल करने तो रात को 2 बजे भी पहुंच जाए, लेकिन वालिद मोहतरम अगर वैसे ही कह दें कि बेटा जरा मुझे भी कुछ सिखा दो, तो हमें गुस्सा चढ़ने लगे और वो हमारे गुस्से को फील करें और सोचें कि उनका कितना दिल दुखता होगा कि ये क्यों मुझसे ऐसे बात करता है, मैंने आखिर इसका इसको कह क्या दिया है, मैंने आखिर इससे क्या इसका बिगाड़ क्या दिया है. सो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट.